study a new topic. Before proceeding towards that topic, I will ask you some questions. Those who know the answer, raise your hand and give answers one by one. Okay? Now, students, tell me where do you go for a study? Yes, you? School. Very good. We go to school for study. You all know in your school, you learn so many different subjects like science, mathematics, SST. Now tell me, how you come to know that your science lecture is over? Yeah, or your mathematics lecture is over? How you come to know? Time. Bell. Very good. Or? Bell. With the sound of a bell. Now students, tell me, what is sound? Sound का मतलब क्या है? What is sound? Anybody know? Yes? आवाज. Very good. Or something else? मैम धुन. Yes? मैम धुन. धुन. मैम रिंगटोन. रिंगटोन. It's a form of sound. What is the definition of sound? Now what is sound? How sound is produced? Anybody knows? Yes. मैम जब कोई चीज मूव होती है तब उससे आवाज निकलती है, जैसे बेल मैम जब बजती है तो मूव होती है तो मैम उससे आवाज निकलती है. Very good, Simha. So students, today we will discuss about the topic sound. How does it produce? Now today's our topic is sound. We are going to learn about sound. Before learning about the sound, firstly we come to know what is sound means. Sound ka matlab kya? Kabhi kisi ne sound ko dekha hai? No ma'am. Kabhi touch kiya ho? No ma'am. No. Sound ko kya karte hain? Touch kar sakte hain? No. To bachche, sound is a sensation. Ye hamare kano ki sensation hai. कहाँ से सुनते हैं हम साउंड को? ईयर से. सो साउंड इज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, हमारे कानों के सुनने की क्षमता. यू ऑल नो अबाउट एनर्जी, सबको एनर्जी के बारे में पता है? यू कैन सी एनर्जी? यू कैन टच एनर्जी? यू कैन फील एनर्जी? यस, यू कैन फील. यू कैन फील लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी. साउंड इज एग्जैक्टली एनर्जी. साउंड क्या है? Energy. Sound is energy. We will learn a definition of sound. Sound is a energy. Like जैसे हम energy को touch नहीं कर सकते, feel नहीं कर सकते, sound को भी हम feel तो कर सकते हैं, touch नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, feel कर सकते हैं, उसी तरह sound is also a energy which causes सेंसेशन ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने की सेंसेशन पैदा करता है. साउंड इज अ एनर्जी विच कॉजेज, व्हाट कॉजेज? सेंसेशन ऑफ हियरिंग. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. रिपीट अगेन. साउंड इज आपको चेक ही करना था कि आप जा रहे हो या सो रहे हो. राइट, रिपीट अगेन. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर Sound is a form of energy which causes sensation of hearing. Now we learned about how sound is produced. Sound कैसे produced? We can learn it with the help of an equipment. One student, come here. आपने इसको जोर से ऐसे वाइब्रेट कर, जोर से. कुछ सुनाई दे रहा है? Yes. कुछ नोट किया इसको दोबारा करो. कुछ नोट कर रहे हो? Yes.
वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मीन्स ये जो स्केल जो ये स्केल है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट, मतलब ऊपर नीचे जा रहा है। तो साउंड साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाइब्रेट करता है, मींस कि उसका टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मतलब ऊपर नीचे। अपने एक हाथ से साउंड प्रोड्यूस करो, हो रहा है, दोनों हाथ यूज करो। When two objects meet each other and when they move to and fro, एक हाथ से नहीं हो रहा, दोनों हाथों से sound produce हो रहा है। Sound कब produce होता है, when वो जब वो interact करते हैं, जब वो vibrate करते हैं। Sound is produced due to vibration. One student come here, one student come. इस plate के साथ इसको vibrate करते हैं, इसको make कर, इसको यहाँ से ये वाइब्रेशंस नजर आ रही है, करो। वो बच्चे आओ देखो इसको, वन बाय वन, वन बाय वन। ये देखो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, ये डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड से क्या है, साउंड से क्या है, वो बैठ गया सी। साउंड से क्या है, बहुत से बच्चों ने देखा कि जब हम साउंड प्रोड्यूस होता है, जब वो, ये देखो मैं आपको बोर्ड पे दोबारा दिखा देती हूँ। ये हमारे पास मतलब क्या था, एक बोल था जिसमें हमने पानी डाला, जब हमने इसको बीट करा तो जो ऐसे ऐसे क्या है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, जिससे क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड। तो साउंड इज बेसिकली प्रोपेगेट थ्रू द वाइब्रेशन, ड्यू टू वाइब्रेशंस। और हम कह सकते हैं साउंड इज प्रोड्यूस टू द ड्यू टू द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, व्हाट इज साउंड एंड हाउ डज इट प्रोपेगेट? क्लियर सबको? साउंड इज प्रोपेगेट ड्यू टू वाइब्रेशन। यू ऑल नो व्हाट इज मैटर, कभी सुना मैटर वर्ड? व्हाट इज मैटर? मैटर, एम ए डबल टी ई आर, मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर, एम ए डबल टी ई आर, मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हमारे यूनिवर्स में कोई भी थिंग है वो क्या है, मैटर। वो क्या है, मैटर। और मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, फ्री, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, सॉलिड एंड गैस। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, सब में सेम साउंड प्रोड्यूस होता है। मतलब मेरे कहने का भाव कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है सॉलिड्स में या लिक्विड्स में, गैस में, उनकी आवाज, उनकी फ्रिक्वेंसी कितना लाउड है, कितना मीडियम है या बिल्कुल लो है, वो सेम होता है। फर्क होता है। अब क्या सोचते हो कि किसमें ज्यादा साउंड, मतलब अगर हम सेम फ्रिक्वेंसी से बीट कर रहे हैं सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, तो किसमें ज्यादा साउंड प्रोड्यूस? सॉलिड में, लिक्विड में नहीं प्रोड्यूस होगा, थोड़ा होगा, गैस में होगा। उसके पीछे पता है क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बच्चे जो सॉलिड, अब हम देखेंगे कि जो सॉलिड है, अब हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। जैसे आपकी नोटबुक है, नोटबुक किससे बनी है? उसी तरह जो हमारे मैटर है, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? सॉलिड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल क्या होते हैं, साथ साथ, मतलब इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। लिक्विड में क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस होता है। और गैसेस में क्या है, काफी दूर दूर होते हैं, राइट? तो बच्चे ये जो आप, हमने ये पढ़ा कि जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू वाइब्रेशन। हमने पढ़ लिया जो वाइब्रेशंस हैं वो वन मॉलिक्यूल टू सेकंड मॉलिक्यूल टू थर्ड मॉलिक्यूल जब ट्रांसफर करती है, देन वी कैन, मतलब आपको जो साउंड है सुनाई दे रहा है। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ, लास्ट बेंच तक मेरी आवाज आ रही है? बच्चे बोल तो मैं यहाँ रही हूँ, वहां तक कैसे चली गई? साउंड तो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वहां तक कैसे पहुंच गए? अगर मैंने ये स्केल लास्ट तक पहुंचाना, कैसे जाएगा? मैं इसको दूंगी या आगे उसको देगा?
ऐसे ही वो लास्ट बेंच तक चला जाएगा स्केल, पहुंच गया लास्ट बेंच तक, अब वापस मेरे को दो। ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। उसी तरह बच्चे जो साउंड है, मैं बोल यहाँ पर रही हूँ, लास्ट बेंच तक मेरी आवाज कैसे पहुंच गई, ट्रांसफर। मतलब यहाँ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा यहाँ रूम है, स्पेस है, मतलब यहाँ कुछ है जो मेरे साउंड को वहां तक पहुंचा रहा है, वो एग्जैक्टली है क्या? ये जो सॉलिड नहीं है, जो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो डिस्टर्बेंस को क्या कर रहे हैं, वन देन आगे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे जो सॉलिड्स में क्या है, जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्या है, कम है, ये इजीली ट्रांसफर कर देंगे, लिक्विड में ज्यादा है, गैसियस में बहुत ज्यादा है। तो अब हम देखेंगे कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स एंड इन गैस। वी कैन लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, राइट। क्या करो, ये बेंचेस क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा अपना ईयर इसके साथ लगाओ, ऐसे लगाओ, सारे बच्चे ऐसे करो, एक बच्चा सिर्फ, एक बच्चा, एक बच्चा, वन स्टूडेंट, सात बार अब ऐसे रहेगा, एक साइड पे, दूसरा बच्चा क्या करेगा, इसको बीट करेगा, दूसरा स्टूडेंट
तो बच्चे चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, चाहे वो एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, सब में क्या है, साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन, टू वाइब्रेशन। एक्चुअली यहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चे, वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम बैलून से एक्टिविटी करते हैं। एक बच्चा आ गया, वैभव कम हियर, इसको फिल करो। अब इसको मैं एयर में छोड़ूंगी, देखना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस हुआ? ये साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ पता है आपको? बच्चे इसमें मैंने क्या फील करी थी, इसने क्या फील करी थी? गैस। जैसे जैसे वो गैस बैलून में से क्या आ रही थी, बाहर आ रही थी, वैसे वैसे आपको क्या सुनाई दे रही थी? साउंड। एग्जैक्टली वर्किंग हमारे वॉइस बॉक्स में होती है। यहाँ पर हमारी स्पेस होती है, जब हमारा वॉइस बॉक्स ओपन होता है उसमें से गैस पास करती है तो हमें क्या सुनाई देता है? हमें क्या सुनाई देता है? साउंड। जब भी वॉल्स में से क्या है गैस पास होती है तो क्या सुनाई देता है? साउंड इज प्रोड्यूस। और ये ऐसे ऐसे मूव करती है, वाइब्रेशन होती है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन हमें क्या है, साउंड सुनाई देता है। Is it clear to all of you? Yes. This is the topic of sound. Today we will learn what is sound, how does it produce, और हमने पढ़ा how sound travels in solid, liquid and gas. And हमने ये भी पढ़ा sound doesn't travel in vacuum. Is it clear to all of you? Yes. Now अब हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा। देखें? Yes. Yes. किसमें होगी? Very good, right answer. Now